नमस्कार, जय हिंद। जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे दिग्गज नेता के पास जिनकी राजनीतिक पहुंच अजमेर में बहुत ज़्यादा है और अजमेर के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं अच्छी खासी पकड़ है उनकी। उनकी पत्नी फिलहाल अभी वहाँ से जिला प्रमुख हैं, खुद ये खो खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भंवर सिंह जी पलाड़ा की। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयपुर वॉइस में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कब और कैसे हुई? मैं बचपन से ही मैं बिजनेस में, मतलब 18 साल का था जब भी मैं बिजनेस में आ गया और बिजनेस के बाद में मैं 21 साल का था जब मैं राजनीतिक छात्र राजनीतिक से एबीवीपी से एबीवीपी के बाद में मैं राजनीतिक में युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष रहा नागौर का, बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष रहा, दो बार जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा रहा नागौर, और नागौर के साथ में फिर मैंने बिजनेस और राजनीतिक साथ में दोनों में करता रहा। और मेरा जीवन राजनीतिक जीवन और बिजनेस का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। मैं एक सामान्य परिवार से उठा और सामान्य परिवार में उठ के मैंने पूरे राजस्थान लेवल पे मेरा बिजनेस को खिलाया और राजनीतिक क्षेत्र में भी मैंने कदम रखा। इसके साथ में मेरा जो जीवन देखो तो पूरा जीवन संघर्ष से गुजरा हुआ जीवन है। और मैं 2000 प्रदेश युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ मैं राजस्थान का। उसके बाद में मैं 2000 में, उसके साथ में 2003 में मैंने कई बार टिकटें मांगी। 1998 में भी मैंने टिकट मांगी, लेकिन 98 में माननीय मुख्यमंत्री उस समय वीर सिंह शेखावत हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा अभी आपकी उम्र है, उस समय मेरी उम्र भी 26-27 साल थी, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट आपको टिकट देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं 2003 में भी मैंने टिकट मांगी तो मुझे टिकट नहीं दिया गया, मकराना, और मैं मकराना से मांगी और पुष्कर से, और टिकट नहीं दिया तो मैं निडले पुष्कर से मैं चुनाव लड़ा और मैंने ज़बरदस्त संघर्ष किया। वहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, वहाँ में लोगों ने मेरे लिए फलक पावड़े बिछा दिए और उस समय मैं निडले के रूप में मुझे 30,000 वोट मिले, और मतलब एक कम मात्रा से मैं चुनाव में यूज किया मैंने। बाद में 2008 में मेरे को टिकट भारतीय जनता पार्टी दिया, उसमें मैं केवल मात्र मेरे बागी खड़ा होने की वजह से मैं वोटों को थोड़ा यूज कर लिया। फिर मैं 2010 में महिला सीट आई जिला प्रमुख की, तो मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाया। 8 के बाद में 9 में चुनाव लड़ाया दिसंबर में, और 9 दिसंबर में मेरी पत्नी को जिला प्रमुख जनवरी में 10 में बना दिया। उसके बाद में हमने जिला परिषद आपके द्वार चलाए, सेवा का कार्य किया, गरीबों की सेवा करी, आम अधिकारी को ले जा करके वहाँ पे काम किया, एक एक गांव ढाणी ढाणी हमने अजमेर ज़िले के पहुँचने का काम किया और सेवा का कार्य किया। सब अधिकारियों से जो भी काम थे तुरंत प्रभाव से करते थे, जन सुनवाई करते थे, आम जनता की सेवा करते थे। उसी का परिणाम था कि हमें पूरे भारत में राष्ट्रीय लेवल पर हमें जिला परिषद अजमेर को सम्मानित किया गया, जिसमें 51 लाख रुपये का प्रधानमंत्री द्वारा इनाम दिया गया। उसके बाद में हमारा जो संघर्ष चलता रहा, और 13 में फिर मुझे नहीं देखे मेरी पत्नी को टिकट दिया सुशील कुमार पलाड़ा को, और 13 में पुष्कर से विधायक बन गए दिसंबर 13 में। फिर बाद में वहाँ से विधायक बनने के बाद में विधायक जन सेवा शिविर चलाए, जनता की सेवा की, काम किया, और काम का परिणाम था कि वहाँ की जनता ने वोट भरपूर मसूदा की जनता ने आशीर्वाद दिया। 2018 में केवल मात्र 1700 वोटों से वो चुनाव हम जूझ कर गए। फिर बाद में एक साल बाद में वापस अजमेर जिला प्रमुख का चुनाव आया और जिला प्रमुख के चुनाव में वापस 32 में से 24 वोट लेकर के जिला प्रमुख बनाया हमने। इसमें के रूप में मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि इसके अंदर बहुत सारा जो बीच में जो सिस्टम आया कि आपने अपनी पत्नी को निर्दलीय ले जाकर और चुनाव जिता के लाए, आप उसमें आपको कांग्रेस का भी सपोर्ट रहा। भविष्य में अभी आप जानते हैं विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्या आप चुनाव लड़ेंगे, आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, आपकी पत्नी लड़ेगी या आप भी लड़ेंगे? अब राजनीतिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में तो जब तक जिएंगे जब तक चुनाव लड़ते ही रहेंगे। लड़ाई करना, संघर्ष करना हमारा जीवन रहा है, तो इसमें तो कोई मना कर नहीं सकते। अब वो राजनीति का आने वाला भविष्य बताएगा कि हमें किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, उसकी रणनीति हम बना रहे हैं, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रखी है। क्या कोई पार्टी बनाने का विचार है आपका? अगर हमारे स्वाभिमान पर अगर आई बात
तो हम 100वें माह के बाद के ऊपर आए तो वहाँ पार्टी भी बना सकते हैं। अगर हम किसी पार्टी में नहीं गए तो 100वें माह के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जब तक जैसे महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी 100वें माह के लिए, पृथ्वीराज चौहान ने 100वें माह शिवाजी ने लड़ी, वैसे हम युद्ध लड़ते रहेंगे, कोई हमारा युद्ध लड़ना हमारा धर्म है। तो कितना आपका टारगेट रहेगा, कितनी सीटों पर अगर आप अलग से चुनाव लड़ते हैं या किसी के लाइजन में लड़ते हैं तो कितनी टिकटों पर आप सोचते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे? अगर वो तो अगर हम अभी तो पार्टी का हुआ नहीं है, पार्टी अगर बनाएंगे तो फिर तो लड़ाएंगे 50-40-50 सीटों पे तो हम चुनाव लड़ाएंगे 40-50 तक। आगे भविष्य में जिस तरीके से आपके पुत्र भी राजनीति में हैं तो क्या वो विधायकी के चुनाव में कदम रखेंगे? वो तो है ही, राजनीतिक में है तो पुत्र को भी अधिकार है लड़ने का। जंगल में जब शेर होता है तो शेर में जब छोटे शेर होते हैं जंगल में तो उनको भी जंगल में शिकार के लिए छूट दी। हमारे सुनने में ये भी आ रहा है कि भंवर सिंह पलाड़ा अपने परिवार के जो हैं उनको तो विधायक से चुनाव लड़ाएंगे और आप 2024 में सांसद की तैयारी कर रहे हैं, क्या बात है? अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं सांसद का, मुझे तो पिछली बार भी राजसमंद से टिकट दे रहे थे और था लगभग था लेकिन क्या था, अगर आवश्यकता पड़ी तो वो भी लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा का तो मैं हर आज से नहीं मांग रहा हूँ, 1999 से मांग रहा हूँ, लगभग मुझे 25-30 साल हो गए सांसद का टिकट मांगते हुए, नहीं मिल पाया। अगर टिकट मिलता तो मैं चुनाव लड़ता, आगे अगर भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ी तो सांसद का चुनाव भी लड़ेंगे, वो तो कोई इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल क्या बीजेपी से कोई बात हो रही है, बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे या क्या? अभी मेरी कुछ भी बात किसी से बात नहीं हुई है अभी तो, मैं तो मेरी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है उसकी मैं कर रहा हूँ, मेरी अभी किसी से कोई बात नहीं होती। क्योंकि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो है ABBP की, यानी कि आप उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? हाँ नहीं, मैं ABBP से भी हूँ, मैं हाँ। मैं खुद RSS में प्रथम वर्ष हूँ, मेरा बेटा प्रथम वर्ष शिक्षित है, बेटा छोटा बेटा भी है वो प्राथमिक वर्ग शिक्षित है, हम RSS के से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मेरी विचारधारा तो हिंदू विचारधारा है, राष्ट्रीय विचारधारा है मेरी, जो है विचारधारा तो है ही मेरी, एक संघ से जुड़ा हुआ था तो मेरी जो राष्ट्रीय विचारधारा है मेरी। आप जैसे हमेशा आपके भाषणों में आप कहते रहते हैं, आप बड़े तेज तर्रार तरीके से अपने भाषण में कहते हैं कि हम किसी की गुलामी में नहीं रहेंगे, अगर स्वाभिमान पे बात होती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, उसके अंदर आप बहुत सारी बातों को लेकर कई बार जो आपकी जो पिछली पार्टी थी जिससे आप अलग हुए हैं, क्या अगर कांग्रेस आपको ऑफर करती है तो क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? अभी मैं कह रहा हूँ ना, अभी मैंने किसी भी पार्टी को कुछ भी नहीं कहा जाने के लिए, उस समय भी मुझे जब जिला प्रमुख के था तो उस समय भी कहा था कि भाई कांग्रेस से सिंबल से चुनाव लड़ लो, मैंने ये निवेदन किया कि नहीं मैं कांग्रेस के सिंबल से, आपने मेरा सहयोग किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास 13 वोट थे, कांग्रेस के पास 11 वोट थे और बीजेपी के पास 8 वोट थे, और लगभग बीजेपी के लोगों का भी मेरे प्रति था और कांग्रेस के सब लोगों ने मुझे, सारे लोगों ने सहयोग किया, उस वजह से मैं 32 में से 24 जिला परिषद में वोट लेकर के जिला प्रमुख बना, और वो सब भगवान शिव जी का आशीर्वाद था। मेरा जीवन सब निर्भर है भगवान शिव जी से, क्योंकि मैं जो भी काम की शुरुआत करता हूँ वो भगवान शिव से आशीर्वाद लेके करता हूँ, उनकी पूजा के बाद मैं कार्य करता हूँ, और भगवान शिव ने जो भी मुझे, क्योंकि भगवान महाराणा प्रताप भी शिव के उपासक थे, महाराणा शिवाजी भी शिव के उपासक थे, और मैं भी शिव का उपासक हूँ, इसलिए मेरा जीवन संघर्ष का है। अगर मुझे अभी मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद लड़ाई लड़ने में सक्षम हूँ। अभी फ़िलहाल जो आपके जन्मदिवस पर जिस तरीके की एक विशाल रैली हुई, हमने देखा कि आपकी कोई इसके अंदर कॉल नहीं थी और ना ही आपने कहीं जनसंपर्क किया कि आप अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर ही ताकत दिखाई, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बर्थडे आज से नहीं है, मैं 2008 का आप कभी कोई उठा के देखोगे आप, उसमें लगभग है ना उस समय 30,000 लोगों ने रैली निकाली थी, और 2008 में, और अजमेर का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा वो रैली थी, और अभी भी हर साल मेरा बर्थडे मनाने के लिए आम जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, साक्षात भगवान शिव जी और सब भगवान आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, आम जनता सभी जाति धर्म के लोग मेरे आकर के जन्मदिवस पे मुझे प्यार और आशीर्वाद देते हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, अजमेर की जनता जो लगभग
दस दिन तक मेरा बर्थडे का कार्यक्रम चलता है और वहाँ की आम जनता मतलब हर युवा ये मन में रहती है कि मैं पलाड़ा साहब से अब 30 साल से लगातार कर रहा हूँ, ये बर्थडे का कार्यक्रम चल रहा है। युवा ये चाहते हैं कि मैं भंवर सिंह जी से प्रेरणा लूँ कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। मेरा जीवन संघर्ष का है इसलिए लोग हर मुझसे संघर्ष का बारे में प्रेरणा लेना चाहता है और वो लोगों का एक बर्थडे के दिन एक त्यौहार की तरह मनाते लोग और वो आशीर्वाद देते हैं जनता। मतलब 24 घंटा तो आम जनता चलू ही रहती है, इसके अलावा फेसबुकों पर मीडिया पे 10 दिन पहले से शुरुआत कर देते हैं पोस्टर बैनर। ये मैं कभी किसी को तेल नहीं डलाता, कभी किसी को इनवाइट नहीं करता, कभी किसी को फ़ोन नहीं करता, कभी किसी को बुलाता नहीं, लेकिन अपने आप भगवान शिव के आशीर्वाद से जनता आशीर्वाद देने के लिए आती है। वो एक उनका प्रेम है, नहीं लोग बुलाते मनाते बर्थडे मनाते भीड़ इकट्ठी करते हैं, लेकिन उस दिन मैं कभी किसी को नहीं कहता, उस दिन अपने आप भगवान शिव के आशीर्वाद से सब लोग आते हैं और वो सब मुझे आम जनता अजमेर जिला ही नहीं पूरा अजमेर संभाग राजस्थान से भी लोग आते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं। हर जगह पोस्टर पैनल राजस्थान के हर ऐसे नहीं है, कम से कम 20 जिलों में पोस्टर लगते हैं मेरे और सब आशीर्वाद देते हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं से अब क्या बात कहना चाहेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे कार्यकर्ताओं से को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आप सबका मुझे शुरू से ही प्रेम और आशीर्वाद मिला है और मेरे एक भाई और परिवार के रूप में आप सब जनता है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन मेरा जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। मैं आम गरीब को गणेश मान करके सेवा के रूप में लोग राजनीति में आते हैं पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन मैं राजनीति में गरीब को गणेश मान करके सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ। जब तक जीऊँगा जब तक आम गरीब को गणेश मान करके सेवा करता रहूँगा, आम 3600 कौम को साथ लेकर चलूँगा, कभी किसी भी जाति पाति में भेदभाव नहीं करूँगा, हर सारे समाजों को साथ लेकर के इस देश और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करूँगा, ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहेगा। कभी किसी में भेदभाव न तो मैंने कभी भेदभाव किया न कभी भेदभाव करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, न किसी से डरूँगा न किसी से दबूँगा न किसी के आगे झुकूँगा, जब तक जीऊँगा जब तक जीवन का मैं संघर्ष करता रहूँगा, ये मैं आप सब आप सभी हमारे चैनल से भंवर सिंह पलाड़ा आप देख रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर वॉइस के साथ जुड़ने के लिए।